हमारे यहां शिक्षा कैसी थी बताता हूं मैं आपको। 7,32,000 गुरुकुल चलते थे बॉस इस देश में, और 18वीं सदी में 100% लिटरेसी, कितनी 100। आज 1811 में तो इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, और हमारे यहां हजारों साल से 7 लाख से ज्यादा लोग। और पढ़ाई कैसी सर, मैं आपको सिखाता हूं। अपने यहां एक बहुत बड़े आचार्य जी थे, और आचार्य जी की एक लड़की थी, वो भी बहुत सुंदर। उनके यहां 3 शिष्य थे, एक से एक आला। वो तीनों शिष्य चाहते थे कि आचार्य जी की लड़की से शादी, और आचार्य जी भी चाहते थे कि भी हमसे इससे शादी करा। लड़की भी चाहती थी कि तीनों में किसी से भी शादी हो मेरे को। अब वो कंफ्यूजन, एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की कहीं से आ रही थी जंगल में, उसको सांप ने खा लिया और लड़की का देहांत हो गया। लड़की की बॉडी जैसे मिली, ये तीनों दीवाने वहां पहुंच गए। अब वो तीनों दिल से प्यार करते थे। एक लड़के को जो मरी हुई बॉडी है ना, उसको संभालना आता था। वो बोला, मैं इस बॉडी के ऊपर लेप वर्क लगाऊंगा और इसकी सेवा करूंगा, पर इस बॉडी को मैं जलाने नहीं दूंगा। उसने वो बॉडी रख ली। दूसरा जो था वो हो गया दीवाना। वो बोला, ये चली गई तो अपनी जिंदगी भी। तीसरा था ना, वो बड़ा कलाकार था। वो बोला, यार मैंने सुन रखा है कि देश में कुछ तांत्रिक, कुछ ऐसे लोग हैं जो मरी हुई को जिंदा कर सकते हैं। क्या बोला? अब वो निकल गया, वो ढूंढने निकला कि ऐसे कोई सिद्ध पुरुष है कि जो मंत्र मुझे, वो साल डेढ़ साल दो साल तक इधर ये रोज बॉडी की सेवा कर रहा है, इधर ये दीवाना घूम रहा है। उसको 2 साल के अंदर अंदर सिद्ध पुरुष मिले, तांत्रिक मिले, जो मरे हुए को जिंदा। उसने वो विद्या वहां से सीखी और दौड़ा दौड़ा आया। आते ही उसने मंत्र फूंका कि वो लड़की और जवान होके जिंदा हो गई। अब गाने बजा लो यार। लड़की जवान, अब ये तीनों दीवाने वापस खड़े हो गए, भाई मेरे से शादी कराओ। अब आप बताओ, उसकी शादी पहले वाले से होनी चाहिए कि तीसरे वाले से होनी चाहिए कि दूसरे वाले से? अभी आप देखो, आप बोल रहे हो पहला और तीसरा, तो अपने यहां शिक्षा देने का तरीका क्या था कि जिसने पहला सेवा की ना, वो पुत्र का था। वो क्या बन गया? क्योंकि उसने पुत्र के भाव से, और जिसने प्राण फूके, प्राण फूकता है पिता, कौन? तो वो हो गया पिता। और जो अलमस्त दीवाना रहा, उसकी शादी उससे। तो अपने यहां जो तरीका था ना, बस हिंदुस्तान का जो तरीका, ऐसा तरीका आपको दुनिया में कहीं भी, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज द बेस्ट, एंड रियली टुडे इज ऑल्सो द बेस्ट। थैंक यू सर।